एक तरफ अयोध्या के विकास को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ ऐतिहासिक कुंडों की साफ सफाई के अभाव में मरते जीव जंतु। यही है वो सच जिसे किसी भी सरकार में यहाँ के निवासियों ने देखा और सुना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम प्रतिवर्ष अयोध्या के कुंडों के निर्माण के काम पर सरकार से एक मोटी रकम पाता है, पर निर्माण होने के बाद उन कुंडों की स्थिति क्या है ये जानने की जरूरत कभी भी पर्यटन निगम नहीं करता। आज ऐतिहासिक दंताधवन कुंड से साफ सफाई के अभाव में लगभग 150 वर्ष पुराने कछुए की मृत्यु हो गई। दंत धावन कुंड के विनीत गुप्ता, सनक गुप्ता, जेपी पाठक, बादल सिंह आदि ने इस कुंड की सफाई की मांग सरकार से की है। अयोध्या विशेष क्षेत्र है, अयोध्या का सौंदर्यीकरण सरकार की जिम्मेदारी है। दंत धावन कुंड के लिए करोड़ों रुपया योगदान सरकार की तरफ से आया है, लेकिन सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है। 100-150 साल कछुआ मर जा रहे हैं। दंत धावन कुंड ऐतिहासिक कुंड है, भगवान राम की नगरी है। भगवान राम ने यहाँ दर्शन किया था। ये भगवान राम की नगरी है। 150 साल कछुआ सफाई के ना होने के कारण मर गया। अगर अयोध्या में ऐतिहासिक चीज़ खत्म हो जाएगी तो भगवान राम का वजूद खत्म हो जाएगा। भगवान राम की नगरी में भगवान राम का काम होना चाहिए। हम लोग रहेंगे तो भगवान राम का नाम लेंगे, और अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है। बोलते भगवान राजा रामचंद्र की, बोलते हनुमान जी महाराज की। मुझको बहुत कष्ट हो रहा है कि भगवान राम की नगरी में इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। दंत धावन कुंड की सफाई ना होने के कारण 150 साल कछुआ मर जा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है, मेयर साहब से निवेदन है, विधायक जी से निवेदन, सांसद जी से निवेदन है, हाथ जोड़ के कि हम लोग अयोध्या के एक आम नागरिक है, ये आम जनता है। दंत धावन कुंड का जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया जाए, मेरा सह निवेदन है। जय सिया राम, बोलते राजा रामचंद्र की। अब हम लोग जा रहे हैं कछुए का, कछुए को गाड़ने जा रहे हैं, और दंत धावन कुंड पे हम लोगों का समाधि स्थल बन गया है। वहाँ कछुआ मछली हम लोग गाड़ते हैं। सरकार हम लोगों की बात नहीं सुनती है, लेकिन हम लोग का ध्यान नहीं देती है। हम चाहते हैं, निवेदन है